लखनऊ में एडीसीपी सेंट्रल चिरंजीवी नाथ सिन्हा से खास बातचीत की है न्यूज वन इंडिया के संवाददाता नीलेश चौहान ने। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाए, इसके लिए तमाम आलाधिकारी सड़कों पर हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडीसीपी सेंट्रल चिरंजीव नाथ सिन्हा जी। सर, लखनऊ की सड़कों पर आप भी मौजूद हैं, किस तरीके की अपील जनता से करते हैं? वहीं जो इमरजेंसी सर्विसेज में जो लोग हैं, जो अतिरिक्त ड्यूटी कर रहे हैं, उनको 9:30 से 6 बजे का समय दिया गया कि इस बीच वो ना निकलें, अगर इससे पहले उनको अपने दफ्तर जाना है तो जा सकते हैं। जी, सुबह 9:30 बजे से पूर्व आप अपने दफ्तर पहुंच जाइए और शाम को 6 बजे के बाद ही दफ्तर से बाहर आए, यह आदेश हमारे उच्चाधिकारियों के द्वारा दिया गया है। जनहित में स्वास्थ्य संबंधी जो एक कोरोना की जो जंग है के साथ जंग है उसको देखते हुए, और सबसे अच्छी बात यह है कि आज ये फर्स्ट डे था, लेकिन 1% यदि आप रहने दीजिए तो 99% जो हमारे ऑफिसर्स, हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारियों ने इन चीज़ों को इंश्योर किया है और 9:30 के पूर्व भी वो पहुंच गए। तो बहुत ही जो लखनऊ की जनता है वो बहुत ही अनुशासित है, और इसके साथ ही जो मास्क संबंधी है उनको भी हम चौराहों पे पीए सिस्टम के माध्यम से या 1-to-1 जाके उनको समझा रहे हैं कि आप मास्क पहन के ही बाहर आए। वैसे अमूमन सभी व्यक्तियों ने मास्क पहना ही हुआ है, यदि कोई 1-2% किसी व्यक्ति ने नहीं पहना है तो उसको हम सब अपनी तरफ से भी दे रहे हैं या उनको समझा रहे हैं कि आप कुछ कॉटन का जो कुछ जैसे हैंकी है इससे अपने चेहरे को ढके, क्योंकि मास्क पहनना बहुत अनिवार्य है। मैं सभी से यही गुजारिश है कि आप मास्क पहन के ही, यदि बहुत आवश्यक काम है और छोटी सी दूरी में भी जाना है तो मास्क पहन के ही आए। थैंक यू। सर, एक सवाल और है कि हम देख रहे हैं तमाम महिला पुलिसकर्मी हैं, चाहे SI हों, चाहे ACP लेवल की पुलिसकर्मी हों, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो 15 दिन से ज़्यादा समय उनका गुजर गया है लेकिन उनसे उनकी बच्चे की मुलाकात नहीं, दूर से देखकर ही एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसे में उन जाबाद पुलिसकर्मियों के लिए क्या संदेश है? मैं हैट्स ऑफ टू मैम्स, आप निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि जितनी ड्यूटी हम सब ने अपनी तन्मयता से किया है उससे कई गुना अधिक इन्होंने किया है, क्योंकि इनको दो फ्रंट पे एक साथ काम करना होता है, घर में भी बाहर में भी। और आप जानते हैं कि जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा माँ से अटैच्ड होते हैं, इसके बावजूद चूँकि पुलिस की सर्विस एक मिशन है, ये सर्विस सामान्य सर्विस से हट के एक मिशन है, और इसी चीज़ को अपनाते हुए जो हमारी जैसे मैडम है, इंस्पेक्टर मैडम है, आप देखिए धूप में है, सुबह 8 बजे से यहाँ है, ये जब घर भी जाती हैं तो अपने बच्चों के पास मैंने उतना डिस्टेंस मेंटेन करती हैं और बहुत तन्मयता से ड्यूटी किया इन्होंने। इसी तरह से जो भी हमारी जो स्टाफ हैं, मैं सभी को धन्यवाद भी देना चाहूँगा और उनको जय हिंद कहना चाहूँगा कि आपके सहयोग के बिना ये संभव ही नहीं हो पाता। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस की जंग में जो पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, खास तौर पर जो महिला पुलिसकर्मी लगी हुई हैं, चाहे वो सिपाही हों, SI हों, या थाना इंचार्ज हों, या ACP लेवल की अधिकारी हों, या उससे बड़ी अधिकारी हों, लगातार अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर रही हैं, तो ऐसे लोगों को आपको प्रोत्साहित करना चाहिए जो आपके घरों के बाहर खड़े होकर घंटों घंटों धूप में खड़े होकर ड्यूटी दे रहे हैं, ताकि जो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो कोरोना वायरस की जंग में। जैसे वो अपना सहयोग अपने बच्चों से महीनों हो गया है, उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है, अपने बच्चों को वो गले नहीं लगा पाई हैं, तो ऐसे में आप लोग पुलिस का सहयोग करें, उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग करें अपने घरों में रहकर, ताकि जो कोरोना वायरस की बढ़ती हुई महामारी है उसको रोकने में आपका सहयोग मिल सके। ब्यूरो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ मैं नीलेश चौहान, न्यूज वन इंडिया, लखनऊ। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का बयान, लॉकडाउन का पालन करने वाले सभी मुस्लिमों का शुक्रिया, शबे बारात पर मुस्लिमों ने घर से ही इबादत की उसके लिए शुक्रिया, आपने जो जिम्मेदार नागरिक होने का सबूत दिया है ये संदेश दूर तक जाएगा, आपकी जिम्मेदारी भरे रवैये से हम मजबूती के साथ कोरोना से लड़ पाएंगे, पिछले जुम्मे की तरह आज भी हम घर से ही नमाज पढ़ेंगे, जिन मुसलमानों ने आज रोजा रखा है वो घर से ही कोरोना के खात्मे के लिए दुआ करें। मुबारकबाद पेश करता हूं उत्तर प्रदेश और पूरे मुल्क के तमाम मुसलमानों को, जिन्होंने कि लॉकडाउन के रूल रेगुलेशन पर अमल करते हुए और उलमा इकराम की अपीलों को मानते हुए शबरात के दिन कोई भी अपने घर से नहीं निकला और कोई भी मुसलमान कब्रिस्तान नहीं गया, बल्कि इतने अहम मौके पर भी सबने घरों ही में इबादतें की, और इसके लिए हम लोग तमाम मुसलमानों का दिल की गहराइयों से सबका शुक्रिया भी अदा करते हैं।
और तमाम पूरी कम्युनिटी में इन्हें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार शहरी होने का जो सबूत दिया है, इसका पैगाम जाहिर सी बात है बहुत दूर तक जाएगा और हुकूमत को और पूरे मुल्क को इस बीमारी से लड़ने में इसमें ज़रूर मदद मिली है और आगे मदद मिलती रहेगी। और सभी के इल्म में है कि आज जुमे का मुबारक दिन है और पिछले गुज़िश्ता दो जुमों की तरह इस जुमे को भी सब मुसलमान अपने घरों ही पर नमाज जुहर। संगम नगरी के सफाई कर्मचारियों को कुंभ के दौरान उनके अच्छे कामों के लिए पीएम मोदी ने सम्मानित किया था। पीएम मोदी ने सफाई कर्मियों के पैर धोकर उनके कामों की सराहना की थी। समय कोरोना महामारी से लड़ रहे देश में सफाई कर्मियों ने फिर अपने काम से प्रयागराज को साफ और स्वच्छ बनाया। इसमें नगर निगम के कर्मचारी, सभासद और अधिकारियों ने कोरोना वायरस को लेकर सफाई अभियान चलाया है। नगर निगम सफाई कर्मियों को माला पहनाकर सम्मानित किया और उन पर फूलों की बरसात भी की। उन्होंने बताया कि आपके प्रयास और कामों की वजह से ही प्रयागराज में कोरोना का दूसरा केस अभी तक नहीं मिला। कोरोना वायरस की रोकथाम लेकर प्रयागराज में सफाई कर्मियों का योगदान सबसे ज्यादा है। 19 को देखते हुए जो पूरे देश में और पूरे राज्य में महामारियों को लेकर भय व्याप्त है, उन सब भय को दूर करते हुए हमारे कर्मचारी जो भी हम लोगों द्वारा मास्क और दस्ताने दिए गए हैं उनकी मदद से वो साफ सफाई कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं। हमारे साथी इंस्पेक्टर और साथ स्टाफ और दूसरा स्टाफ है जो छिड़काव कर रहा है ब्लीचिंग के घोल का और लार्वी साइड से छिड़के जा रहे हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग का हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा हमें निर्देश दिया गया है उन सबका पालन। आज के दिन हम लोगों ने अपने सफाई कर्मचारियों के सम्मान में समारोह रखा था जिसको पूरे मोहल्ले के लोगों ने इच्छा जाहिर करी थी कि हम लोग जो इतनी जाबाजी से इस विषम परिस्थिति में और संवेदनशील माहौल में अपनी जान की बाजी लगा के हमारे जो सफाई कर्मी दिलो जान से दिन भर 24 घंटा लग के यहाँ पे दवा का छिड़काव, ब्लीचिंग का छिड़काव, मेलाथियन का छिड़काव, चूने की सफाई, नाली सिल्ट, नाला सफाई, झाड़ू कूड़ा उठाने का कार्य कर रहे हैं, उससे लोगों ने ये चाहा, जनता ने मोहल्ले की, कि इनका स्वागत अभिनंदन करा जाए। उसी उपलक्ष्य में इस ऐतिहासिक चौराहे पे हम लोगों ने इस कार्यक्रम को पूरे मोहल्ले के लोगों ने मिल के इसे आयोजित करा। आज हम लोगों ने सफाई कर्मियों को फूल दे के और सोशल डिस्टेंसिंग बना करके इनसे कहा अपने परिवार में भी ये पालन करें, समाज में कोई भी व्यक्ति आपको दिख रहा है तो उनको भी इसके बारे में बताइए कि कोई बहुत गंभीर बीमारी है, इससे लाइलाज का यही है कि दूरी बना के रखिए आप लोग। और जिस तरीके से इन्होंने इस समय पुलिस वाले ये सफाई कर्मचारियों के अपनी जान की परवाह ना करते जिस तरीके डोर टू डोर जाके सफाई कर रहे हैं, इसलिए इनका फूल छिड़क के माला पहना के हम लोग ने स्वागत किया, चाय पिला के हम लोग इनके बहुत बहुत आभारी हैं इस इनकी मेहनत को देखते हुए। इसका आज हम लोगों ने सफाई